ये रिसेप्शन पे से काला हिट था जो आ चुका है मेरा। थेरेपिस्ट देते हैं आपको एनीमा, मतलब बस्ती, डरने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। 5 डब्बे लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सांड। तो गाइज ये कपड़े में उतार के रख देता हूँ अभी, है ना। और ये दो छोटे टॉवल ले लेता हूँ साथ में नेचुरोपैथी के लिए। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 6, मैं लेट हो गया हूँ। आज स्वामी जी आए हुए हैं योग कराने, कल भी आए थे आज भी आए, 2 दिन से आए। लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं ना सोया था तो नींद नहीं खुली, रात को 2 बजे सोया, शाम को 9 बजे एडिटिंग की थोड़ी बहुत, उसके बाद तो मच्छर काटना शुरू हुए बारीक बारीक। मतलब मच्छर तो इतने हैं कि काटने का शुरू हुए, वो तो काट ही रहते हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे के आसपास 1 घंटे सोया हूँ, फिर मैं उठा तो लेट हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ योग क्लास में। अगर आप आओ ना यहाँ पर, अगर जनरल वार्ड में रुको तो प्लीज़ काला हिट साथ में लेके आना या कुछ ऐसा लेके आना। बाकी व्यवस्था साफ सफाई बहुत बढ़िया है, पर मच्छर बारीक बारीक कोई से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस एरिया में पीछे, उधर शायद जंगल होने के कारण या किसी कारण, और थोड़ी सी साफ सफाई में कमी रहती है, मतलब उस टाइप की भी नहीं रहती है, पर हाँ रह सकते हैं, आम इंसान रह सकता अच्छे से अगर आप काला हिट वगैरह रखोगे तो। नहीं तो नहीं रह सकता, आप भी नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। तो अब मैं जा रहा हूँ योग क्लास में, इधर पीछे से ही निकल रहा हूँ, है ना, पंचकर्म सेंटर और इनके पीछे से ये सारी झोपड़ियाँ हैं, देख रहे हो आप, ये झोपड़ी कॉटेज है सारे। और आज योग क्लास में स्वामी जी ने 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट वाली बहुत जोर दिया उस पर, कि देखो अगर बीमारी तत्काल हो गई है ना तुमको तो फटाक से यहाँ आ जाओ, मैं 7 दिन में ठीक कर दूँगा, और अगर लंबी बीमारी है तो फिर टाइम लगेगा, 2-4-8 दिन पहले आपको शुगर डिटेक्ट हुई है यहाँ आ जाओ सीधे, क्योंकि दवाई गोली होती नहीं, शरीर को लगती नहीं इंसुलिन वगैरह, तो शरीर को आदत बिगड़ती नहीं है। बात है वो दूसरा है फ्रॉड के ऊपर, कि अगर आपने मतलब पतंजलि योगग्राम के नाम पे अगर फ्रॉड से बचना है आपको, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना उनकी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसी पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे, तो उसी पे कॉल करो, उसी पे जो भी बात करना है, आपको पैसे देना है, डोनेट करना है, या फिर आपको मेंबरशिप लेने के लिए, या फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वही वेबसाइट पे ही देख के करना है आपको, ठीक है। और एक बात और बताई स्वामी जी ने कि उपचार दोनों जगह एक जैसा है, खाना पीना सब कुछ एक जैसा है, कहाँ पर, वेलनेस सेंटर पे और योग ग्राम में, तो इसकी चिंता ना करें, जहाँ जगह मिले वहाँ जा सकते हो, आपकी बीमारी ज़्यादा नहीं है तो आप अगर थोड़ा बहुत महंगा भी पड़ रहा है तो वेलनेस चले जाओ, डॉक्टर के यहाँ भरोगे भी सही पैसे वैसे भी, तो वहाँ ठीक हो जाओगे ना कंप्लीट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ कैंटीन में और मैंने शुगर चेक की है, 156 आई है मेरी फास्टिंग, थोड़ी सी बढ़ के आई है, मतलब 2-3 दिन पहले अच्छी आई थी, पर मेरे यहाँ 200 के आसपास, 200 को पार नहीं कर रही है, मतलब अंदर आ रही है, 160 के अंदर आ रही है, कभी 180 के अंदर आ रही है। तो अभी डॉक्टर ने कहा है, 2 दिन पहले मिला था मैं जब चार्ट बनवाने गया था, ब्लॉग देखा हो तो आपने, तो उन्होंने कहा था कि आप एक एक यूनिट आप कम कर लेना अगर ऐसी रीडिंग आती है, तो मैं अभी सुबह वाला एक यूनिट कम करने वाला हूँ, तो आज जो है ना मैं 3 की जगह 2 पॉइंट ही लगाऊंगा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ सीके जो जूस लेने के लिए और फिर नाश्ता ले लूँगा। तो गाइस सीके जो जूस आ गया है जो कि, और पपाया है, उबला हुआ टमाटर, 5 बादाम, मेथी, स्प्राउट और 2 लहसुन। तो ये नाश्ता करके फिर मैं मिलता हूँ आपसे, पंचकर्म के लिए जाना है, बस्ती होगी फिर नेचुरोपैथी जाना है। तो ये मेथी ना मेरे को शुरू में स्प्राउट इतने चबा चबा खाना कड़वा लगता था, अभी तो कोई मतलब बिल्कुल मज़ा आता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो भरत भी खुश है, इसके शुगर डाउन आ गई है, पर ये कौन सी गोली ली तुमने, इम्यूनो गोल्ड ज़्यादा ले ली ना इसलिए। अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है ना तब भी आपकी शुगर बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें भी खाना चाहिए। तो गाइस ये देख लो मैंने केवल 2 पॉइंट भरा है इसको, इंसुलिन को 1 पॉइंट और कम कर दिया मैंने अभी से। तो गाइस नाश्ता करके मैं जा रहा हूँ अभी वार्ड में अपने, मैं कच्चा भूल गया हूँ क्योंकि आज मेरी फुल बॉडी मसाज और स्टीम है, मैं रात भर नींद नहीं आ रही उस टॉपिक पर जब बात कर रहा था सुबह, तो ये बात थी कि मैं आ गया हूँ वार्ड में अपने। देखो साफ़ सफाई तो बहुत बेहतरीन है, शानदार है योगग्राम की पूरे की, बस थोड़े हमारे वार्ड में जो बेड लगे हुए उनकी दिक्कत है थोड़ी सी, और फिर मच्छर बारी बारी, ये उड़ने वाले जो है ना डेंगू और मलेरिया होते हैं वो मच्छर नहीं, वो मच्छर बारी बारी है, जानवर है, तो वो क्यों आते हैं शायद इधर जंगल है ना चारों तरफ इसलिए शायद वो आते हैं, और एसी वाले जितने भी कॉटेज हैं उनमें नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ एसी वाले में, तो उसमें इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि एसी से बहुत ठंडा हो जाता माहौल, और
उसके कारण भी शायद वो टिकते नहीं है वहाँ मच्छर। टावल तो ले लिया था मैंने सुबह, तो ये वार्ड में से ले लेता हूँ अपने, यहीं रख के गया था कल, सुखाए थे ना, तो पंचकर्मा के लिए जा रहा हूँ। मैं पंचकर्मा सेंटर आ गया हूँ और अब मेरी बस्ती है, तो वो बस्ती लेने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। ये मधुनाशिनी और मधुग्रिड दो गोलियाँ निकाल ली है मैंने, अब इनसे बस्ती होगी मेरी। तो मेरा नंबर आ गया है इसमें, गिलोय चिरायता कुटके का पानी और प्लस गोलियाँ हैं और वो पाइप। थेरेपिस्ट देते हैं आपको एनीमा, मतलब बस्ती, डरने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। देखो यहाँ हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ये पेपर बदल दिया है, अब ये नया पेपर लगाया है मेरे लिए। तो गाइस बस्ती हो गई है मेरी, इधर ये बस्ती देने के सारे रूम बने हुए हैं और इधर लेट बाथ बने हुए हैं। सामने खड़ा रहता हूँ इसीलिए मैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। कोशिश हो तो 20 मिनट बाद ही मैं टॉयलेट यूज़ करूँ। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नेचुरोपैथी सेंटर, और मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैंने 2 पॉइंट इंसुलिन लिया है और बहुत कम आने वाली है, क्योंकि आज मेरी फुल बॉडी मसाज है और फुल बॉडी स्टीम है। तो मुझे पता है कि जब भी ये होता है ना, मेरा रिसेप्टर एकदम काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे शुगर मेरे को लगता है 80 के आसपास या उससे भी नीचे आ सकती है आज। देखते हैं क्या होता है। तो मैं फुल बॉडी मसाज और स्टीम के लिए जा रहा हूँ नेचुरोपैथी सेंटर। तो मैं पहुँच गया हूँ नेचुरोपैथी सेंटर और मिलता हूँ फिर मैं आपसे अंदर, नंबर लगा के क्या आता वो देख लेता हूँ। तो पेपर बीत चुका है मेरे लिए, 17 नंबर पर आया हूँ मैं। बॉडी की मसाज पूरी हो गई है, अब हेड मसाज हो रही है तगड़ी वाली। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ स्टीम लेने के लिए, फुल बॉडी स्टीम है आज मेरी, ये करके मिलता हूँ आपसे। चक्कर ना है इसलिए अब मैं 2 गिलास पानी पी लेता हूँ यहाँ से भर के। ये अपना गिलास है, यही काम आता है, और किसी का गिलास नहीं लेना है। मैंने सिर पे टॉवल रख लिया ताकि चक्कर नहीं आए, यहाँ पे भी रख लिया है। तो गाइस अब मैं वापस जा रहा हूँ मड लगवाने पेट के ऊपर, मिट्टी लगवाने। और सर्दियों में तो 20-20 मिनट से बाहर नहीं आते हैं लोग ना स्टीम में से, क्यों भैया? और गर्मी में 10 मिनट मतलब बड़ा मन मार के रुकना पड़ा है। ये तालाब के गहराई से निकालते हैं, मतलब चिकनी मिट्टी है या ऐसे काली मिट्टी? नहीं, ये मिट्टी सूखेगी जब तक मैं टॉवल सुखा देता हूँ। यहाँ पर सुखा दिए, अभी मेरा शुगर चेक करने का टाइम हो गया है, तो अब मैं शुगर चेक कर लेता हूँ। अभी मेरी शुगर आई है 181, बढ़ गई है थोड़ी सी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों बढ़ी है, क्योंकि मैंने आज 2 पॉइंट ही इंसुलिन लगाया। बॉडी को 3 पॉइंट की आदत है, तो डॉक्टर ने भी कहा था कि जिस दिन आप कम करोगे ना, उसके 2-3 दिन तक बढ़ेगी, तो आप घबराना मत। 181 चाहिए, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद टॉवल लेने के लिए, जो मैंने सुखाया था, देख रहे हो। तो अब मैं जा रहा हूँ कैंटीन, और मेरी जो शुगर थोड़ी सी बढ़ी ना स्टीम लेने के बाद, अगर मैं 3 पॉइंट इंसुलिन लेता ना तो बहुत डाउन जाती, वो इसीलिए बढ़ी। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था कि 1 पॉइंट भी अगर कम करोगे तो 2-3 दिन तक बढ़ेगी, और फिर मेहनत करना, योग वगैरह करना, थेरेपी लेना, घर पे भी अगर करना है तो थेरेपी लेना पड़ेगी मुझे घर पे, तो कम होती चली जाएगी। एक तो गाड़ी से उतरा मैं और गाड़ी उधर घूम के आएगी, इसलिए मैंने सोचा कैंटीन पास है 25 कदम की दूरी पे, तो मैं इधर ही चला जाता हूँ। तो कैंटीन में आ गया खाना खाने के लिए, अभी 1-2 मिनट की देरी है, तो इसलिए चालू नहीं करा है। मतलब बाबा जी का निर्देश है, 1-1 मिनट का मतलब ध्यान रखते हैं। तो गाइस मुझसे एक गलती हो गई कि मुझे ना सुबह का इंसुलिन कम नहीं करना था, शाम का करना था, क्योंकि उसके साथ में लेंटस है, तो लेंटस सपोर्ट में रहता है। मुझे शाम का 1 पॉइंट कम करना था, तो मैंने सुबह का कम कर लिया। मेरे अब ध्यान में आ रहा, डॉक्टर ने कहा था मुझसे कि 1 पॉइंट शाम का पहले कम करना, तो कोई बात नहीं, अभी शाम का कम करूँगा कल से। पुष्ट आहार दलिया, परमल की सब्जी, सूप है दाल का, और स्प्राउट मेथी है, और सोया पनीर। करेले का जूस नहीं लाया था मैं, करेले का जूस ले आया हूँ, ये पी के खाना खा लेता हूँ मैं। अब तो है ना, करेले का जूस ऐसे पीता हूँ जैसे पानी पी रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी सोया छाछ पी रहा हूँ, और एक खुशी की बात और, आज तीसरा व्यक्ति ऐसा है, शिखा असवाल नाम से वो जो कमेंट करते थे, वो मुझे मिले हैं अभी यहाँ पर सब्सक्राइबर मेरे, और उन्होंने बोला आप राकेश हो क्या? तो मतलब वो बात सुन के ना तक इतनी खुशी होती है कि बस, तीसरा बंदा है ऐसा जो मुझे यूट्यूब के कारण पहचान लिया। ये टॉवल सुखा दिए मैंने, अभी कॉटेज में थोड़ी देर आराम करूंगा, एडिटिंग करूंगा, और फिर मिलूंगा मैं आपसे बाद में। 1 hour later नेचुरोपैथी जाने से पहले मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे एक भैया है ना जो हरिद्वार से सामान ला के देते हैं, तो मैं काला हिट मंगवाऊंगा, क्योंकि बारीक मच्छर है ना, उनसे परेशान हूँ, इसलिए वो मंगवा रहा हूँ मच्छर इंसेक्ट वगैरह को भगाने के लिए। तो गाइज अभी मैंने दे दिया है वहाँ पे रिसेप्शन पे जो मंगवाना था काला हिट। एक और खुशखबरी कि चौथे इंसान से मिलना हुआ, मतलब एक पूरा परिवार मिला, कि आपको YouTube पे देखा और उन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए। मेगा स्टोर अब जा रहा हूँ अंदर, कुछ सामान लेना है मुझे। तो गाड़ी आ गई है, मैं जा रहा हूँ नेचुरोपैथी के लिए, तो गाड़ी आ गई। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ नेचुरोपैथी सेंटर, ये देख सकते हो आप। मेगा स्टोर से लाया हूँ गुलाब जामुन के डब्बे, ये देख रहा हूँ,
5 डब्बे लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 60 बंदे और एक में 12 पीस आते हैं, 12 × 60 लगभग, या एक दो कम ही होंगे। तो यहाँ पे मेरे को मतलब बांटना है मिठाई, क्योंकि मेरी शुगर कम आने लग गई है, बहुत मेहनत करते हैं थेरेपिस्ट इसलिए। तो और उनसे दोस्ती भी हो गई, इतने दिन से यहाँ हूँ तो सबसे बातचीत अच्छी होती है, तो जाते जाते मुँह मीठा करा देता हूँ सबका, ये मतलब मेरी खुशी है ना, तो मैं सबका मुँह मीठा करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब सब बहुत बढ़िया मतलब सेवा करते हैं यार, एक प्रकार से बहुत हेल्प करते हैं। एक दिन तो एक बुज़ुर्ग थे, वो चल नहीं पा रहे थे, हाथ पकड़ के उठाते बेचारे, हाथ पकड़ के उनको बिठाते हैं, मतलब बहुत सेवा करते हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं उनका सभी का मुँह मीठा कराने की इच्छा है आज मेरी। तो गाइज़ वहाँ स्टाफ से मिला और मतलब मेरी खुशी थी, जो मैंने उस हिसाब से बांट दिया। आगे फिर मैंने सेल्फी वगैरह भी ली और स्टाफ के साथ फ़ोटो खींचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में है एक और सचिन जी, हाँ जी, ये यहीं पे रहते हैं और थेरेपिस्ट हैं, ये साथ में जा रहे हैं वहाँ तक। अभी हम जा रहे हैं, अब एक दो दिन में जाने वाला है भरत, तो अभी हम है ना मेगा स्टोर जा रहे हैं, तो कुछ सामान लेना तो ले लेगा और चेकआउट के लिए प्रोसेस लगा देगा। फिर थोड़ी देर बाद अभी हम पट्टियाँ ये कमरे पे जाएंगे खोलने, उसके बाद खाना खाने के लिए आ जाएंगे कैंटीन पे, और फिर तो अभी पहले मेगा स्टोर चलते हैं। तो मेगा स्टोर से इसने इसकी दवाइयाँ ले ली है और घर जाएगा, और मेरे को छोड़ के जा रहा है ये भी, मेरे भाई वगैरह भी चले गए, भरत दोस्त बना ये भी जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा यार, कि अब तो मैं भी एक दो दिन में जा रहा हूँ। मैंने अंकल को बोला है कि टिकट करवा दो मेरी, कन्फर्म करवा दो, जैसे तत्काल में बैठे लगे रहते, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्लास में रहूँगा तो मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, बार बार रिमाइंड करवा नहीं पाऊँगा। तो अंकल है ना वो करवा रहे हैं, वो जिनसे टिकट कन्फर्म करवाएंगे, तो मैं भी देखता रहता हूँ ऑनलाइन, तो मुझे तो नहीं मिल रही है मतलब, वो परेशान अलग होना पड़ता है। मेरा भाई मनोज है वो भी देख रहा है ऑनलाइन, तब भी नहीं मिल रही है, देखो कब होती कन्फर्म और फिर मैं कब जाऊँगा। मैं तो सोच रहा हूँ 11-12 को ही निकल जाऊँ, परेशान हो गया हूँ थोड़ा मैं भी। अब घूम फिर लूँगा घर, डाइट फॉलो करूँगा, उसके बाद आऊँगा फिर कभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ जाऊँगा। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे वार्ड पे, फिर पट्टियाँ खोल देते हैं। अभी पट्टियाँ है ना 45 मिनट बाद खोलने की होती है, पर हमने है ना 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे खोल देते हैं, फिर खाना खाने के लिए कैंटीन पे मिलते हैं। तो गाइस खाना तो हमने खा लिया है, लौकी की सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी बनी थी और सूप था वेजिटेबल मिक्स, तो खाना लगभग खा लिया है मैंने, और फिर मिलते हैं आपसे रूम पर। तो गाइस खाना खा के आ गया हूँ मैं रूम पर, ये रिसेप्शन पे से काला हिट था जो आ चुका है मेरा, मैंने 3 बजे के आसपास दिया था, 120 रुपये दिए थे, और ये 99 का आया है, MRP पे में दिया है ना। तो अभी मैं बिस्तर और इधर सब दूर छुड़ा लूँगा, तो ये ब्लॉग एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।